बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले दिल्ली को दहलाने की बारूदी साजिश कौन कर रहा है? चुनाव के दौरान शहर शहर कौन आईडी प्लांट कर रहा है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब से आईडी पकड़े जा रहे हैं। लुधियाना में तो धमाका तक हो गया। कल ही दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक मकान से बरामद बम को एनएसजी की टीम ने नष्ट कर दिया। इसे दिलशाद गार्डन के पास एक पार्क में 8 फीट गहरे गड्ढे में खोदकर नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर में आरडीएक्स वाले बैग मिलने की तफ्तीश के दौरान स्पेशल सेल के इसको इस बम के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीमापुरी के उस मकान पर पहुंचकर बम को बरामद किया, जिसे एक बैग में छिपाकर रखा गया था। और बताया जा रहा है कि उस घर में 3 से 4 लोग रहते थे जो कुछ ही दिन पहले जगह खाली कर गायब हो गए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सीमापुरी में मिली आईडी विस्फोटक पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, बरामद की गई आईडी का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार किया गया था। पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस्ट किया था। इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीजें जो निकल के आ रही हैं, वो ये है कि जो इस तरह की आईडीज हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई हैं, और इनका जो दूसरी जगह भी आईडीज रिकवर हुई हैं, उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। ट्रेल इसकी हम लोग निकाल रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन। राकेश अस्थाना वही शख्स हैं जिन्होंने गुजरात की सीरियल ब्लास्ट में भी बहुत बड़ा खुलासा और इन्वेस्टिगेशन में मदद की थी। इस पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करते हुए, इसलिए मित्रों ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। और मित्रों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टि से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ और कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर के कारण दुनिया भर के भक्तों को अब सीधे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के मौका मिलेगा, इसका व्यवस्था भी की तो आदरणीय मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से चाहे दीपोत्सव हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को एक कार्य रूप देने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा, बुजुर्ग, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और मैं पूरे अधिकार के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, योगी जी ने की है। आप बताइए, कोरोना आया, क्या कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? महिलाओं का सशक्तिकरण, ये जनधन खाते के बारे में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, इस खाते से क्या होगा? इस खाते से यह हुआ कि न लॉकड, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, और लॉकडाउन लगा हुआ था तब भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए।
मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 2-3 सालों में 1,76,00,000 मकान बने हैं, पक्के मकान। कौन है वो लोग? गरीब लोग हैं। कैसा मकान बना है? अलग शौचालय, असल अलग रसोई घर, उसमें गैस का कनेक्शन, रहने के लिए अलग घर, अहाता अलग, टेरेस अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का मालिक मालिक नहीं है, मालकिन इस घर की मालिक है। यह है महिला सशक्तिकरण। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगभग 42,00,000 घर बने हैं और आपके अयोध्या में 50,000 घर बने हैं पिछले 2-3 सालों में। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब आदमियों के लिए। और हमारा प्रण है कि इस घर में कोई कच्चे, इस देश में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके ऊपर पक्की छत होगी। ये मोदी जी का सपना है, ये गरीबों की पार्टी है। बताइए, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो वेद प्रकाश जी को लाइसेंस देना है अगले बार के लिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 27 तारीख को अयोध्या में मतदान है, उससे पहले जेपी नड्डा वहां रैली को संबोधित करते हुए। लेकिन हम वापस लौटते हैं अखाड़ा में आज की टॉप स्टोरी पर, दिल्ली को दहलाने की बारूदी साजिश कौन कर रहा है, चुनाव के दौरान शहर शहर कौन आईडी प्लांट कर रहा है, क्या इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब से आईडी पकड़े जा रहे हैं। कल ही दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक मकान से बरामद बम को NSG की टीम ने नष्ट कर दिया। इसे दिलशाद गार्डन के पास एक पार्क में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर में RDX वाले बैग मिलने की तफ्तीश के दौरान स्पेशल सेल को इस बम के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीमापुरी के उस मकान पर पहुंचकर बम को बरामद किया जिसे एक बैग में छिपाकर रखा गया था। शहजाद पुनावाला BJP से हमारे साथ हैं, ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। शहजाद पुनावाला, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है जो यहाँ पर फिर से सीरियल ब्लास्ट के उस सिलसिले को वापस शुरू करना चाहता है। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। और आज ही का वो दिन है जब 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के जितने अक्यूज्ड हैं सबको फांसी सुनाई गई है, 39 लोगों को, सबको। ब्लास्ट में जिस प्रकार से वहां की सरकार ने और वहां की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज जो भी आरोपी थे, जो भी दोषी पाए गए थे, उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। और आज निश्चित रूप से एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने के भीतर जो 2 बड़े आतंकी हमले प्लान किए जा रहे थे उसको भी रोकने में कामयाबी पाई है। और निश्चित रूप से पहले 2014 से पहले कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बम मिलते नहीं थे, बम फट जाते थे, पर आज पहले ही चौकन्नी पुलिस जो है वो बम को खोज कर निकालती है और ऐसी कोई भी दुर्घटना को होने नहीं देती है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को की सराहना भी की जानी चाहिए। पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, एक ही देश है जो पाकिस्तान, जो बार बार भारत को टारगेट करने के लिए यहाँ पर बैठे कुछ स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करता है और वहां से ड्रोन के माध्यम से या जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से वहां से आतंकी और आतंकी असले भी भेजने की कोशिश करते रहता है, उनको तो लगातार नाकामयाब करते रहते हैं। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि जब इस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई की जाती है, और मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी मॉड्यूल को बस्ट किया था, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। जब वो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया तब अमानतुल्ला खान, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जो प्रकार की बातें कर रहे हैं, अमानतुल्ला खान ट्वीट करके कहते हैं कि ये देखिए खेल शुरू हो गया रिलीजियस टारगेटिंग का, ये दिल्ली पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ रही है, अल्लाह हिफाजत करे। ये उनका ट्वीट है 15 सितंबर 2021 का। इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी जिस प्रकार से अलगाववादियों के साथ उनके बातों को आज खुलासा किया है गुलपनाग ने, कुमार विश्वास ने, तो अगर निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता के लोग अगर इनको बॉर्डर स्टेट मिलता है या अगर वो इस प्रकार से सत्ता में भी कहीं पर भी रहते हैं तो उनके चलते, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जब कार्रवाई होती भी है तो उनके बचाव में कुछ लोग उतर आते हैं और ये इसके लिए मुख्य कारण है जिसकी वजह से कभी ना कभी सुरक्षा जो है वो कमजोर भी पड़ती है। जी ऋषि मिश्रा, आपसे मैं रिएक्शन लूं, उससे पहले एक और अपडेट है कि दिल्ली का सीमापुरी इलाका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में UP ATS भी इस वक्त पूरे एक्शन में है। UP ATS की एक टीम ओल्ड सीमापुरी पहुंची है, उन्होंने इलाके का मुआयना किया है, लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है।
दो महीने में दूसरी बार है जब दिल्ली को दिल दहलाने की कोशिश हुई है। इसके बाद खुफिया एजेंसी पूरी तरह से एक्शन में है। इस साल देश में विस्फोटकों की बरामदगी की बात करें तो 15 जनवरी 2022 को गाजीपुर के फूल मार्केट में आईडी मिला था, 2 जनवरी 2022 को लुधियाना के कोर्ट सेशंस कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, उधर 2 लोगों की मृत्यु हुई, 6 लोग घायल हुए, 13 जनवरी 2022 को पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी साजिश नाकाम हुई, यहां से 2.5 किलो आरडीएक्स, 1 डेटोनेटर, 5 विस्फोटक, फ्यूज, हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए थे। इसके एक दिन बाद 14 जनवरी को अमृतसर अटारी बॉर्डर पर विस्फोटक मिला था, एसटीएफ ने यहां से 5 किलो आरडीएक्स जब्त किया था। 12 जनवरी 2022 को श्रीनगर में धमाके की साजिश नाकाम की गई थी, वहां प्रेशर कुकर में आईडी बरामद हुआ था। 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्किंग में बड़ी कार में धमाका हुआ था, इसके तार गाजीपुर से बरामद आईडी से बताए गए। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं कोई तो कोशिश कर रहा है कि ये सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला जो कहीं 2008 के उस क्रैकडाउन के बाद, सिमी के उस पूरे मॉड्यूल के बस के बाद कम हुआ था, हमने 2011 में घटनाएं देखी थी मुंबई में, लेकिन उसके बाद सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला जो कम हुआ है, फिर से इसकी कोशिश दिख रही है, और वो भी जब हम हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष को मना रहे हैं और 5 स्टेट्स में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था, फोरकास्ट करना चाहिए था। दिल्ली विल ऑलवेज बी टारगेटेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी एक समय है जब आईएसआई उसको टारगेट करेगा, फ्यूल करेगा जी। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अभी तक हम नहीं ले रहे हैं जी। हमारे को दिल्ली के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो के आईडी ऑब्लिक एक्सप्लोसिव्स डिटेक्ट करती है चीज, उस तरह की मशीनरी अपग्रेड करनी चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक आल्सो नीड्स टू वेक अप। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेवारी अकेली नहीं है, उनकी जिम्मेवारी है जी। लेकिन आपकी और मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने अपने घरों के आसपास इलाके में अगर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत देखते हैं तो वी शुड बी अलर्ट, पुलिस को अलर्ट करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल एज इंटेलिजेंस फोर्सेस को कि जिन्होंने काफी हद तक जी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, सही बात यही है कि 10 में से 10 बार हमारी सुरक्षा से बल को सक्सेसफुल होना पड़ता है। आतंकी एक बार भी अगर कामयाब हो जाएं तो कई 100 लोगों की जाने जा सकती हैं और निर्दोष इसमें मर सकते हैं। फिलहाल यहां से इधर से हटेंगे, सीधा चलते हैं योगी आदित्यनाथ जो कि फिर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, याद करना आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे कैसे वहां कुर्सी नहीं बैठ मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे,
नेताजी का प्रमुख सिपहसालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मेनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मेनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह चर करके बर्बाद करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का, नहीं मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। आज भी करहल जैसे क्षेत्र ने जिसने प्रदेश को नेतृत्व दिया हो किसी कालखंड में, आज भाइयों बहनों यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिफई खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। आपने देखा होगा उनकी संवेदना कभी गरीबों के प्रति नहीं थी, गांव के विकास के प्रति नहीं थी, नौजवान के रोजगार के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। याद करिए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनका पहला फैसला था काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उस समय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बने, हमने पहला निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का। याद करिए, आपके मेनपुरी के भी हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। याद करिए, मेनपुरी के हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी, हर बेटी सुरक्षित रहेगी इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों,
समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था और भाइयों बहनों हमारी सरकार आई डार्क जोन से मुक्त करते हुए हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मेनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों विकास की अपनी एक सोच होती है, विकास की अपनी एक सोच होती है। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित है, हमारे नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बात बात को लेके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता, आज तो भाइयों बहनों व्यापारियों पर कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान आज जब कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलता है उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गया है। भाइयों बहनों पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपना स्वयं का बंगला बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं कि चार बार प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, इन चार बारों में उनकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की लेकिन राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। चार बार उन्हें प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ लेकिन गरीबों के मकान नहीं बन पाए थे। भाइयों बहनों 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 45,50,000 गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाया है, 45,50,000 गरीबों को। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है और भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आज दुनिया निहारने के लिए आती है। भाइयों बहनों पहले केवल सफाई महोत्सव होता था, न उसमें राग था न रंग था, न भाव थी न भाषा थी, किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आज तो भाइयों बहनों हमारी पौराणिक और पुरातन पहचान को लेकर के प्रदेश में महोत्सव होते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है जो दीपावली के साथ पूरी दुनिया को जोड़ता है और मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है, पूरी दुनिया मथुरा। पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे यहां चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और आखिरी दिन सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। जहां पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह रोड शो कर रहे हैं, पंजाब की सभी 117 सीटों पर एक ही चरण में 20 मार्च को वोट डाले जाएंगे जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा, पंजाब की जनता का धन्यवाद कि इतना दमखम और जोर शोर से मेरा स्वागत किया जा रहा है और मुझे समर्थन मिल रहा है। जगह जगह आप समर्थकों के हाथ में हॉकी देखेंगे, हॉकी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में मामला बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कोटा में हुए पीएफआई के एक प्रदर्शन में अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों ने
की खादिमों की संस्था अंजुमन के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती का हिजाब विवाद पर विवादास्पद बयान सामने आया है। सैयद सरवर चिश्ती ने धमकी दी है कि अब एक्शन का रिएक्शन होगा और हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाने पर कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों इस मंच पर कुछ कांग्रेस के नेताओं के शुमार होने की भी बात है। पीएफआई की इस रैली में जिस तरह के बयान दिए गए और बयान के साथ साथ आगे सामने बैनर्स पर जो दिया गया था, उधर मंसूबे तो कुछ और ही है, बात हिजाब की नहीं है, बात आर्टिकल 370 से लेकर कई और कानूनों की भी बात की गई है वहां पर। ये एक्शन पे रिएक्शन की बात क्यों की सरवर चिश्ती ने, इस पर भी सवाल उठ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या। तो हम कोई रेड कार्पेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। तो हम कोई रेड कार्पेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। ये रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे, एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आमाना बेगम अंसारी हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, अमीना शेरवानी और सईदा फलक जी भी जुड़ेंगी। ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है शहजाद पूनावाला, ये क्यों इस तरह की भाषण दिए जा रहे हैं और वो भी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मंच पर जिनका इरादा यहाँ भारत में नेक नहीं लगता। कई राज्यों ने इन्हें बैन भी किया है, कई कोर्ट्स ने इनको पूरी तरह से मार्क भी किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, हिजाब बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है, दंगे लगवाना है, क्योंकि यूपी में वोट कमाना है। आनंद जी, आज कर्नाटका से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस पार्टी के नेता या उनके समर्थित जो संगठन है वो किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देखिए। कर्नाटका में एक व्यक्ति मुकर्रम खान बोलता है, मैं हाथ काट दूंगा, मैं बोटी बोटी कर दूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक राजस्थान सरकार वहां पर पीएफआई को मंच दे देती है और इस पीएफआई के मंच पर जिस प्रकार की भाषा सरवर चिश्ती बोल रहे हैं वो भी आपके सामने है। महाराष्ट्र में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, महाराष्ट्र में मालेगांव में हिजाब डे का आयोजन किया जाता है, वहां पर भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हिजाब एक बहाना है और हिजाब के नाम पर वोट बैंक में आग लगाने की इनकी पूरी सोची समझी साजिश है। और आयरनी की बात देखिए कि इंडोनेशिया जैसा मुल्क है जो मुस्लिम बाहुल है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसने हिजाब पर बैन लगा दिया स्कूल में। महाराष्ट्र के स्कूल जहां पर इनकी सरकार है वहां पर भी बैन है, परंतु कांग्रेस के नेता और ये पीएफआई के नेता केवल और केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका के स्कूल के विषय को, जो कोर्ट में चल रहा है, इसको केवल एक दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही सामने आ रहा है, मुर्शिदाबाद में तो बम चला दिए, परंतु एक भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के इस इकोसिस्टम का है वो इसका खंडन नहीं कर रहा है, उसके जायज ठहराने के लिए। लेकिन शहजाद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वोट बैंक के लिए क्या इतनी कुरीतियों को भी आप अपना हक कहकर आगे बढ़ाने की बात करेंगे? जो तहजीब, जो संस्कृति भारत की है ही नहीं, उसको आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सब तो पूरी तरह से अरबी इस्लाम की बात हुई है, ये सब तो अरबी इस्लाम के कायदे हैं और ये कायदे कहीं पर भी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है कुरान में। ये सब तो बाद की किताबें, बाद के प्रचलन में कहा गया 100-200 साल बाद और उसको जबरदस्ती कर दिया। ये अब औरत को एक पर्टिकुलर ग्रुप को समाज में, मुस्लिम समाज में दबा के उनको कंट्रोल में रखने के कायदे हैं। ये सब क्या बातें, हम सबको नहीं मालूम? इसके लिए दुनिया जहान में, दुनिया भर में, हर इस्लामिक देश में औरतें लड़ती आई हैं सालों से और इसके खिलाफ बोलती आई हैं। और आज हमारे भारत में सब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बुर्का पहन के ही खड़ा होना है, नकाब पहन के ही खड़ा होना है, हिजाब पहन के ही खड़ा होना है। बात हिजाब एक क्लासरूम के अंदर से शुरू हुई, अब तो औरतें लड़कियां सब रूल तोड़कर बुर्का में खड़ी हुई है, कह रही है कि मुझे बुर्का पहनना है, सब कह रहे हैं हमें बुर्के से आजादी दो। उधर देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी में भी कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का हिजाब विवाद पर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसकी बात शहजाद पूनावाला कर रहे थे, जिसमें वो हिजाब पहनने से रोकने वालों को धमकी देते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये बयान उन्होंने 7 फरवरी को दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, और इसी वीडियो में उन्होंने हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े करने का बयान दिया। और आपको बता दें, इस भाषण के ठीक एक दिन बाद से बवाल शुरू हुआ है और 9 फरवरी को ही जो बताया जा रहा है कि ISI की तरफ से, जो हमने आपको इंटेलिजेंस इन्फो दिया कि 100 से ज़्यादा अकाउंट्स खड़े हुए, ज़्यादातर नाम मुस्कान के नाम से, और ये पूरा बवाल जो है इसी भाषण के बाद से शुरू हुआ है। ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ।
तो पूरी तरह से ये सियासत की ही बात हुई। आमना बेगम अंसारी साइदा फलक AIMIM से भी हमारे साथ हैं। पहले आमना जी बोली जी। सबसे जो एक हास्यास्पद बात बोलूंगी या बहुत ही दुख की बात है कि इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो CM है हमारे अशोक गहलोत, वो बातें करते हैं कि यहाँ की जो हिंदू औरतें हैं वो घूंघट से कैसे बाहर आएंगी। कैंपेन चलाए जाते हैं कि घूंघट छोड़ो दुनिया देखो, इस तरह का रिवार्ड दिया जाता है कि अगर किसी गाँव के अंदर सारी औरतों ने घूंघट उतार दिए तो उस गाँव को 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसी कांग्रेस में उस तरह के नेता है जो मुसलमान औरतों के ऊपर पुरुषवादी जो सोच है उसको इम्पोज करना चाहते हैं, बट उनको जगह दी जाती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजस्थान के अंदर एक 1960 मृत्यु भोज अधिनियम लागू है जिसमें अगर मृत्यु के पश्चात अगर भोज किया जाता है और पंडितों को खिलाया जाता है तो वो क्रिमिनल एक्ट है। क्यों क्रिमिनल एक्ट बनाया? क्योंकि आप कहते हैं ये सोशल इविल है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो आप उसी सोशल इविल को प्रमोट करते हैं। मेरा लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। जब हमें पता है कि PFI और इस तरह की जो संस्था है ये काफी पहले से देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, केरला जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस तरह के सबूत दिए हैं, तो अभी तक इस पे कुछ सेंट्रल लेवल पे क्यों काम नहीं हुआ? क्यों नहीं इनके देखा गया कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है और ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं? इस पे क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सॉफ्ट है ये बात मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इन द एंड वो हमारे मासूम लोगों को भड़काएंगे और पोलराइजेशन करेंगे और फिर ये क्या होगा, दंगा भड़केंगे और कुछ नहीं होगा इससे। जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो इनको बैन कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिरकत कर रहे हैं आप, राजस्थान में भी शिरकत कर रहे हैं, और देखिए आइडेंटिफाई किए हैं पॉकेट्स शहजाद पूनावाला, अलग अलग शाहीन बाग में भी इनका रोल था, जहां इनका ऑफिस था उसी के सामने वो उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था और सड़कें जाम कर रखी थी। ये भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो कि सामने आ चुकी है और ये सारी बातें प्रूफ भी हो चुकी हैं। तो सवाल आमना बेगम अंसारी का ये है कि इन आउटफिट्स को ब्लैंड क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि NIA ने रिपोर्ट भी दी है और इसको एक डेजिग्नेटेड हेट ग्रुप के रूप में, रेडिकल हेट ग्रुप के रूप में इसको डेजिग्नेट किया है। जो CA के दंगे हुए उसमें भी ED ने जांच करके किस प्रकार से इनकी विदेशी फंडिंग हुई थी उसके भी सबूत और प्रमाण इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए, अंततः राज्यों को भी ये पहल करनी पड़ती है कि वो अपने अपने राज्यों में इसको प्रतिबंध लगाने के लिए मांग करें, जैसे उत्तर प्रदेश ने की है। पर दुख की बात यह है कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर प्रतिबंध लगाना तो दूर, वो उनको इस प्रकार से मंच देते हैं और प्रमोशन करते हैं उनका। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस सेम संगठन के खिलाफ बहुत बड़ा स्टैंड लिया था जब वो UPA में थे। ये वही लेफ्ट पार्टीज है जिसने कहा था ये सिमी का अवतार है, पर आज तुष्टिकरण की राजनीति के चलते वो अपने अपने राज्यों में इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेटफॉर्म देते हैं और जब कार्रवाई इन पर होती है तो वो राज्यों में आते हैं और उस कार्रवाई को रोकने के लिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब CA के नाम पर दंगा किया था और कार्रवाई हुई थी तो PFI के बचाव में कौन आया था? आज भी PFI के नाम पर कौन बचाव में आ जाता है? SDPI के साथ गठबंधन किस पार्टी का रहा है? कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक विपक्ष है वो वोट बैंक के चक्कर में इन संस्थानों को, इन संगठनों को प्रमोट करता है। देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, तो जो पार्टियां या जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो इस देश में ऐसे मुसलमान हैं जो ये मानते हैं कि देखिए अरबी इस्लाम की जगह नहीं है, इस तरह के रेडिकल और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की जगह नहीं, वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? साइदा फलक, आप इनकी हिमायत क्यों कर रहे हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि हिजाब नई चीज है, पहले हिंदुस्तान में नहीं थी, तो मुझे ये बताइए घूंघट और पर्दा सिस्टम कब आया था इंडिया में, कैसा आया था? ये घूंघट और पर्दा सिस्टम आ रही है मेरी? नहीं, आ रही है। ये घूंघट और पर्दा सिस्टम मैं आपको बताऊं कब आया था, जब ये आक्रांता आकर यहाँ की बेटियों बहुओं को उठाकर ले जाने लगे ना और उन पर इस तरह के बर्ताव करने लगे, तब से ये शुरू हुआ है। जब से इन्वेजन शुरू हुआ है तब से घूंघट पर्दा शुरू हुआ है। जब से इन्वेजन शुरू हुआ है, जब से अरबी मुगली, जब से अरबी तुर्की और मंगोल भारत में इन्वेजन कर रहे हैं वही आ रहे थे। नहीं, साइदा फलक आप मुझे बताइए, नहीं मुगल रूल नहीं कर रहे हैं, जब से आक्रांता आना शुरू हुए आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं साइदा फलक। मैं जब से हिंदुओं को काट काट कर कंदहार और उस एरिया में पूरी तरह से हिंदू कुश रीजन, हिंदू कुश का मतलब जानती है? हिंदू कुश का मतलब जानती है आप? हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है उसका मतलब जानती है? वो पहाड़ियां जहां पर हिंदुओं का कत्ले आम कर उनको छोड़ दिया गया, ये आक्रांताओं की भाषा है। ये वही लोग हैं जो अरब मंगोल और तुर्की ये जब यहाँ आए
थे और जिस तरह से यहाँ पर लूटपाट मचाया था, यहाँ पर बहनों बेटियों पर जिस तरह से अत्याचार किया था, तब से ये घूंघट की प्रथा शुरू हुई है। मैं आपको बताता हूँ, कभी सीता मैया की सूरत नहीं देखी थी। हाँ हाँ, देखिए देखिए, नहीं ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं पर भी घूंघट की बात ना रामायण में है ना महाभारत में है, ना रामायण में है ना महाभारत में घूंघट की बात है ही नहीं। आप पढ़ के आई नहीं, जब आपने खुद कुरान पाक को गलत पढ़ा है तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं कि आप महाभारत और रामायण को ठीक पढ़ के आएंगी, जो हमारे संस्कृति में उसको पढ़ के आएंगी। मैं आपको बताऊं कि देखिए, सीता जहां सीता महाराज जनक जो थे वो एक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक सेटअप के चुने हुए व्यक्ति थे, वो राजा नहीं थे। ये भी आपको पता है कि ऋग्वेद में भी गणतंत्र की बात है, ऋग्वेद में भी पुरुषों और औरतों में समानता की बात है। अर्धनारीश्वर का मतलब ही यही है कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं, तो जो आजादी पुरुष को होती है वही आजादी स्त्री को होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो हर समाज में इसको बदलने की जरूरत है। सईदा फलक, मैं सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हैं तो फिर आप ऐसी चीज को क्यों सही ठहराने की बात कर रही हैं, जो औरत जात को कैद करने की बात करता है, जो इस बात को ठहराने की कोशिश करता है कि जब तक आप ढके हुए नहीं हो तब तक आप साफ नहीं हो, तब तक आप पाक नहीं हो, इस बात को आप कैसे बांध सकती हैं। और एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अमीना शेरवानी इससे पहले, देखिए गलत बातें मत किया कीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि इस जगह भारत में अगर हिंदू कुश का नाम पड़ा, एक पूरी पहाड़ी रेंज का हिमालय में हिंदू कुश का नाम पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, बहनों बेटियों का खुलेआम बीच सड़क पर खींचकर उनके साथ उनका नरसंहार किया गया, उनके साथ रेप किया गया। और ये सब अरबी तुर्की मंगोल जो यहाँ आए थे लूटपाट मचाने, उनकी वजह से हुआ था। ये भी आप पढ़ के याद रखिए। आप देखिए, आप अपनी बात अपनी तौर तरीके, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन का रूल चलेगा, यहाँ पर अरबी इस्लाम नहीं, यहाँ भारत की संस्कृति चलेगी। अमीना शेरवानी, सबसे बड़ी बात यह है, ये चाहे जितना चिल्लाएं, इनका एजेंडा ही कम्युनल है, लेकिन सबसे बड़ी बात अमीना जी, हमारे भारत की संस्कृति को अरबी इस्लाम की तरफ धकेलने की बात क्यों की जा रही है? सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, कई सारे ऑथर्स आप भी पढ़ चुकी हैं कि हमारा जिस तरह से यहाँ पर भारत में जिस तरह से एसिमिलेशन था, जिस तरह से सारी संस्कृतियाँ एक साथ मिलकर रहती थी, उस संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? ये नहीं है और हमेशा रहेगा, बिल्कुल एक शाश्वत चीज है, इसको कोई कभी खत्म कर ही नहीं सकता, कोशिश कितनी भी कर ली जाए। और मैं कहूंगी कि जैसे हजार बरस पहले हिंदू औरतों को घूंघट में डाला था, वो घूंघट उनको नहीं बचा पाया, क्योंकि घूंघट और हिजाब और औरतों को ढकने से औरतें नहीं बचती, औरतें जितनी ज्यादा पब्लिक लाइफ में आती हैं उतनी ज्यादा औरतें सुरक्षित होती हैं और समाज भी उतना ज्यादा सुरक्षित और सशक्त होता है औरतों के बाहर निकलने से। औरतों को बंद करने से औरतों का बहुत बड़ा नुकसान होता है और समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सईदा फलक को आज मैं कुरान का एक और लेसन दे दूं, कुरान में साफ लिखा है कि हर किसी को शादी अपनी चॉइस से करनी, हिजाब का चॉइस तो नहीं है मगर शादी का चॉइस जरूर है इस्लाम में। तो एक लड़की चूज कैसे करेगी अगर वो जिंदगी भर लड़कों से अलग रहेगी? लड़कियों को लड़कों को साथ मिलना है, जुलना है, डेटिंग आज से अमेरिका में शुरू है, इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया था मिलो जुलो चुनो कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है, जो तुम्हारे दिल को भाए, जो तुम्हारे दिमाग को भाए, उसके साथ अपना ब्याह रचाओ। लड़कियों को बंद करने की कोई परंपरा इस्लाम में नहीं है, ये उसकी विकृति बनाई गई है इन लोगों ने अपने मंसूबों को पूरा करने की, क्योंकि औरतों को दबाकर इन लोगों को शक्ति मिलती है, इन लोगों को पावर मिलता है और मुफ्त की स्लेव होती है इनके घर में। पर विडंबना तो यही है, विडंबना तो यही है, साफ मना किया झाड़ू। देखिए विडंबना तो यही है आमना जी और अमीना जी कि ये अब औरतों को ही आगे कर अपने आप को कैद करने की मांग कह रही है कि ये सही चॉइस है आमना जी। अब देखिए इन्होंने औरतों को खड़ा कर दिया, कहा है कि देखो हमारी चॉइस है कि हमको कैद रहना है तो हमको कैद। सर ये तो स्टॉकहोम सिंड्रोम बना के डेमोंस्ट्रेशन करवा रहे थे, गाली हिजाब से ढकी औरतों को लाए, एक आंख उनकी बस दिख रही थी, दस्ताने मोजे काले पहना के काले कौवे बना के औरतों को ले आए सिंथेटिक बदबूदार हिजाबों में या जो भी इनको ये कहते हैं। मौलाना साहब ने सीटी बजाई, औरतों ने प्लैकार्ड ऊपर किए, मौलाना साहब ने सीटी बजाई, औरतों ने मुड़के अल्लाह हू अकबर कहा।
मतलब they were like automatons, they were like robots, they had no mind of their own, it was visible. नहीं तो फिर क्या, तो फिर तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात आमना अंसारी, सबसे बड़ी बात ये जरूरत है, ये जरूरत है कि भारत में बिल्कुल भारत चाहती हूँ विभिन्न पुष्प खिले, पूरा गुलिस्तान खूबसूरत हो हमारे, मैं मानता हूँ। और आमना जी और अमीना जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या लिबास पहनते हैं, आपने घर में आपको पूरी तरह से आजादी है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन नहीं, मैं लिबास की बात कर रहा हूँ, सुनिए, मैं प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहनावे की आपके खुद के स्वतंत्र चॉइस की बात कर रहा हूँ। अमीना जी आप मेरी बात को नहीं समझी। एक स्कूल के अंदर सबको सामान्य शिक्षा देने की बात है, वहां पर स्कूल के रूल चलते हैं, वहां अपने पर्सनल नियम नहीं चलते। आमना जी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अगर 30 करोड़ मुसलमान हैं तो उसमें से कम से कम 15 करोड़ तो महिलाएं हैं, तो अगर 14 करोड़ महिलाएं हैं तो इन 14 करोड़ महिलाओं में से क्या मेजोरिटी चाहती है कि अपने आप को कैद रखे या आजाद रखे, तो क्या उनको बताने की जरूरत नहीं है आमना जी? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटी चाहती है कि वो अपने आप को कैद रखे, क्योंकि आप स्कूल में देख लीजिए 75 लड़कियां हैं जो हिजाब और बुरका नहीं लगाती थी, ये 8 लड़कियां हैं, और यही रेशियो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि मैं पासमानदा मुस्लिम में से आती हूँ, मूल निवासी मुस्लिम हम बोलते हैं अपने आप को। मेरे खानदान की जो औरतें हैं वो कभी खेतों में काम किया करती थी, कभी बुनकर में अपने पतियों की हाथ बटाया करती थी। आपको लगता है कि हमारी औरतों को कभी सोचा भी होगा हिजाब बुरका लगाने का? ये उनके पास ये लेकिन आप सबको सोचने की जरूरत है कि चॉइस की तो आजादी है, लेकिन सही चॉइस करने का, इसके लिए तो भगवान ने आपको ये दिया है, बुद्धि दी है, तो उसका भी प्रयोग करना आवश्यक है। 75 और 8 ये बात आमना जी ने कही, हमको भी सोचने की जरूरत है। अखाड़ा में फिलहाल बस।